हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एमटीएस 2023 के जीके जीएस के प्रश्न करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस परिघटना की उपस्थिति एक क्षेत्र में व्यापारिक भवनों को शिथिल कर देती है? लाल नीना, कोरियोलिसिस बल, अल नीनो, आम वर्षा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अल नीनो। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो धनुर्वाद्य सारंगी बजाते हैं? सारंगी वादक हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित राम नारायण। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारंगी में पंडित राम नारायण को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2005 में। ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। इसी के साथ देखते हैं अन्य सारंगी प्रमुख वादक कौन कौन है। तो अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ खान, गुलाब सबीर खान, इन सब का संबंध भी हो जाएगा सारंगी से। इसी के साथ देखते हैं शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा का संबंध हो जाएगा संतूर से और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2001 में। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। इसी के साथ देखते हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का संबंध हो जाएगा तबला से, जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 में। अगला प्रश्न देखते हैं, संगफाओ आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, नागालैंड में किया जाता है संगफाओ आदिवासी नृत्य। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं नागालैंड के अन्य लोक नृत्य। नागालैंड में रंगमा, चांगलो, ये सब होते हैं नागालैंड में लोक नृत्य हो जाएंगे। इसी के साथ देखते हैं अब राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान में गेर, गीदड़, कालबेलिया, घूमर, लूर, चक्री, तेरा ताली, इन सब का संबंध हो जाएगा राजस्थान से। इसी के साथ देखते हैं गुजरात। गुजरात में हो जाएगा गरबा, डांडिया, टिप्पणी, भवई। और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे गंभीरा, कीर्तन, बाउल, यात्रा, छऊ, इन सब का संबंध हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्हें की महान उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, इनको महाराजा धीराज की उपाधि थी। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा धीराज। गुप्त वंश का कार्यकाल 319 एडी से 540 एडी तक था और गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त और गुप्त वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे विष्णुगुप्त, अंतिम शासक हो जाएंगे। और इसी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है गुप्त वंश का। अगला प्रश्न देखते हैं, जब व्यक्ति नए देश से जाता है तो उसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, आप्रवास। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, स्वपोषण। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मृदा में स्वतः जुताई की विशेषता के कारण सबसे कम जुताई की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, काली मृदा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अंटार्कटिका। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया और सेकेंड पे हो जाएगा अफ्रीका, थर्ड पे हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, फोर्थ पे हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, फिफ्थ पे हो जाएगा अंटार्कटिका और सिक्स पे हो जाएगा यूरोप और सातवें नंबर पे और सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2022 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, परमेश्वर अय्यर।
2022 में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ थे परमेश्वरम अय्यर, और वर्तमान में कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम, और उपाध्यक्ष हो जाएंगे नीति आयोग के सुमन बेरी और अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार नियत है, मौलिक अधिकार, इनका उल्लेख है भाग तीन में। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग तीन, और आर्टिकल हो जाएंगे 12 से 35 तक। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, जो कि अभी आर्टिकल 300A में। तो वर्तमान में हमारे पास में मौलिक अधिकार है 6, जो कि भाग तीन में उनका उल्लेख है। इसी के साथ देखते हैं भाग एक। भाग एक हो जाएगा संघ और राज्यों से संबंधित, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। और भाग दो, भाग दो में हो जाएगी नागरिकता, नागरिकता जो कि आर्टिकल 5 से 11 में इसका उल्लेख है। और भाग तीन में मौलिक अधिकार हो जाएंगे भाग चार, भाग चार में हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत DPSP, जो कि आर्टिकल 36 से 51 में इसका उल्लेख है। और भाग चार ए, इसमें मौलिक कर्तव्य आते हैं जो कि 51A आर्टिकल में आते हैं। और इसी के साथ देखते हैं भाग पाँच, भाग पाँच में आती है संघ सरकार, जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 के राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्मिंगम। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना संयुक्त पूंजी बैंक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इलाहाबाद बैंक। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित किया, चेन्नई में अपनी कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी की शुरुआत की और वर्ष 1998 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। इनका संबंध है कुचिपुड़ी से, और इन्हें कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी की भी स्थापना की थी, और 1998 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, और कुचिपुड़ी के अन्य प्रमुख नर्तक हो जाएंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेट्टी, राजा रेट्टी, पद्मा रेट्टी, शोभा नायडू, इन सबका संबंध हो जाएगा कुचिपुड़ी से। इसी के साथ देखते हैं उदय शंकर का संबंध हो जाएगा कथकली नृत्य से, जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसी के साथ देखते हैं गुरु विपिन सिंह का संबंध हो जाएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से, जो कि मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसी के साथ देखते हैं केलू चरण महापात्रा, इनका संबंध हो जाएगा ओडिसी नृत्य से, जो कि ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, 2021 में प्रकाशित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन होम इन द वर्ल्ड। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की किस स्थापत्य शैली को लटकती बालकनियां और मेहराब के आकार की कंगनी के उपयोग के कारण अलग पहचान मिली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन राजपूत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से गोवा में मनाया जाने वाला एक थैंक्स गिविंग त्यौहार है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन लदेना। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं गोवा के अन्य त्यौहार और महोत्सव। गोवा में सिग्मो महोत्सव, चिकलकालो महोत्सव और साहोजुजा, इन सब का संबंध हो जाएगा गोवा से। इसी के साथ देखते हैं हॉर्नबिल हो जाएगा एक नागालैंड का महोत्सव, और नागालैंड में अन्य हो जाएंगे मोत्सू सेक्रेनी, इन सब का संबंध भी हो जाएगा नागालैंड में। और बिहुला मनाया जाता है बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जब वैपकृत का सिद्धांत या फिर हड़प की नीति लागू की गई थी, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे शुरू की गई थी। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल हो जाएगा 1848 से 1856 तक, और ट्रेन की शुरुआत भी इन्हीं के समय हुई थी 1853 के अंदर। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु शास्त्री।
थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1928 में। और स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। और केशव चंद्र सेन, इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1866 में। तो ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लाज्मा को पदार्थ की कौन सी अवस्था कहा जाता है। प्लाज्मा को चौथी अवस्था कहा जाता है पदार्थ की। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवधारियों को आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पारिस्थितिकी। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतिम पल्लव राजा थे अपराजित वर्मन। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव वंश की राजधानी थी काची और पल्लव वंश के संस्थापक थे शिव विष्णु और सबसे शक्तिशाली शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में इसरो के अध्यक्ष ने वर्ष में चंद्रयान 3 के लॉन्च होने की आशा व्यक्त की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023। चंद्रयान थर्ड 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था और प्रक्षेपण यान था LVM3 M4। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, यान का नाम क्या था। और ये 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश भी बन गया। और 23 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी घोषित किया। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉकी में पीला कार्ड खेल के दौरान कम से कम कितने मिनट के लिए खिलाड़ी की अस्थायी निलंबन को दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मिनट के लिए। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2022 में कौन सा भारतीय स्मारक घरेलू पर्यटकों द्वारा सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ताजमहल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे सभी MTS 2023 में पूछे गए GK GS के 25 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।